हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जी कंट्री में स्वागत है। आज जो है ना, करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ आगामी परीक्षा को देखते हुए। जैसे कि आपको मालूम है, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम जो है पास में ही आ चुका है और भी अदर एग्ज़ाम होने हैं। इन सभी एग्ज़ामों को देखते हुए आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? यानी कि जो है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, 5 नवंबर। 5 नवंबर को जो है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। और आपको पता होगा 22 मार्च को जो है जल दिवस मनाया जाता है, जल दिवस। 22 मई को जैव विविधता दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत ने किस देश से S-400 वायु रक्षा मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे? यानी स्क्वाड्रन जो है भारत ने किस देश से S-400 वायु रक्षा मिसाइलें खरीदी हैं? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, रूस। रूस देश से ये खरीदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस यूरोपीय देश ने 2024 से अपनी गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा की? यानी कौन सा यूरोपियन देश होगा जिसने 2024 से अपनी गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा की है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, नीदरलैंड। नीदरलैंड ने 2024 से जो है अपनी गोल्डन वीजा बंद करने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता? कि कौन सा देश होगा जिसने जो है अभी हाल ही में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, भारत। भारत ने ये खिताब अपने नाम कर लिया। और पुरुष क्रिकेट जो था, पुरुष एशियाई क्रिकेट, एशियाई क्रिकेट ये जो था भारत ने 8वीं बार अपने नाम कर लिया, यानी कि 8वीं बार भारत ने जीता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, प्रधानमंत्री ने मुफ्त राशन योजना में कितने वर्ष बढ़ाने की घोषणा की? यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने मुफ्त राशन योजना जो चल रही है तो इसे कितने वर्ष बढ़ाने की घोषणा की है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, 5 वर्ष के लिए इसे बढ़ाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, किसान सम्मान दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि किसान सम्मान दिवस ये कब मनाया जाता है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को जो है किसान सम्मान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, बाटर फॉर वुमेन या वुमेन फॉर बाटर नामक पहल किस मंत्रालय ने लॉन्च की? यानी कौन सा मंत्रालय होगा जिसने ये पहल लॉन्च की है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, आवास और शहरी मंत्रालय। आवास और शहरी मंत्रालय ने जो है वाटर फॉर वुमेन या वुमेन फॉर वाटर नामक पहल शुरू की है। भारत का जो है नवीनतम मंत्रालय कौन सा बना है? सहकारिता मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है? अमित शाह इसके मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, 2023 चेंज मेकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? 2023 में जो है चेंज मेकर अवार्ड दिया गया, ये किसे दिया गया? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, आरबीआई। आरबीआई बैंक को जो है चेंज मेकर अवार्ड दिया गया। इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं और इनका क्रम 25वां है। और इन्हें कौन सा अवार्ड मिला था? भीमराव अंबेडकर पुरस्कार मिला था। भीमराव अंबेडकर पुरस्कार किसे मिला है? सॉरी, गवर्नर ऑफ द पुरस्कार किसे मिला था? गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार, ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला था? शक्तिकांत दास को मिला था। कहां पर मिला था ये? लंदन में। और लंदन किस नदी पर है? टेंस नदी पर है। टेंस नदी पर है, यहां से ये भी याद रखना है। आरबीआई की स्थापना जो हुई थी एक्ट 1934 का था, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1935 में हुई। इसकी स्थापना 1935 में हुई, राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ, ये भी यहां से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, किस राज्य में भारत का पहला एआई आधारित
स्कूल खोला गया, यानी कौन सा राज्य होगा जिसमें भारत का पहला AI आधारित स्कूल खोला गया। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका डी, केरल। केरल राज्य में जो भारत का पहला AI आधारित स्कूल खोला गया। सबरीमाला मंदिर कहां पर है? सबरीमाला जो मंदिर है ये भी केरल में ही है, यहां से ये भी याद रखना है। पेरियार अभ्यारण्य, पेरियार जो अभ्यारण्य है ये भी केरल में ही है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, पीएम किसान AI चैटबोट को किसने लॉन्च किया, यानी पीएम किसान AI चैटबोट को किसने लॉन्च किया है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका डी, कैलाश चौधरी, कैलाश चौधरी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास बेस्टर्न लैनको बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका बी, चेतन मारू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं वह पॉइंट अब क्या कहलाएगा। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका बी, तिरंगा पॉइंट कहलाएगा। यानी चंद्रमा के जो है जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने पदचिन्ह छोड़े हैं अब वो स्थान क्या कहलाएगा, तिरंगा पॉइंट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, किसे वर्ष 2023 के डॉक्टर BG पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका बी, सत्यजीत मजुमदार को यह अवार्ड प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया, यानी कितने वैज्ञानिक होंगे जिन्हें 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका सी, 12 वैज्ञानिकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, भारत की पहली सोलर सिटी कौन बन गई है, यानी कि भारत की जो है पहली सोलर सिटी होगी ये कौन सी होगी। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका ए, सांची, और ये कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश, यहां से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आर्थर सी क्लार्क पुरस्कार किसने जीता, यानी कौन सा पुरस्कार होगा आर्थर सी क्लार्क, ये किसने जीता है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका ए, नेड ब्यूमैन ने ये पुरस्कार अपने नाम कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, किस समुदाय द्वारा नवरोज पर्व मनाया जाता है, यानी कौन सा समुदाय है जो नवरोज पर्व मनाता है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका बी, पारसी द्वारा ये नवरोज पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा हाइड्रोपोनिक्स का क्या है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका बी, यानी कि फसल की तकनीकी, क्या है ये हाइड्रोपोनिक्स, फसल की एक तकनीकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, भारतीय वायुसेना अध्यक्ष कौन बने, यानी भारतीय वायुसेना के जो अध्यक्ष बने हैं कौन बने हैं। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका ए, बी आर चौधरी जो है इसके अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर रहा, यानी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 रैंक निकाली गई इसमें जो है प्रथम स्थान पर भारत का कौन सा शहर आया। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका ए, इंदौर, और इंदौर कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में है ये, मध्य प्रदेश। 17वां प्रवासी सम्मेलन कहां पर हुआ था, प्रवासी, ये भी मध्य प्रदेश में इंदौर में संपन्न किया गया। और यूनिवर्सिटी गेम जो हुए हैं ये उत्तर प्रदेश में हुए हैं, लेकिन यूथ गेम जो हुए हैं, यूथ, ये कहां पर हुए हैं, मध्य प्रदेश MP में संपन्न किए गए। तो फ्रेंड्स ये थे 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आगामी परीक्षा को देखते हुए कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।